बीजेपी दिल्ली के ट्विटर हैंडल ने 18 दिसंबर 2020 को एक ट्वीट में दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। दावा किया गया कि जिस ऑक्सीमीटर की कीमत बाजार में 500 से 1000 रुपए है, उसे केजरीवाल सरकार ने 66,320 रुपए में खरीदा है। ट्वीट में कागज पर एक पल्स ऑक्सीमीटर के ऑर्डर नंबर को हाईलाइट किया गया है, जिसका रेट 66,320 रुपए दिख रहा है, और दिखाया गया है कि इसे दिल्ली के हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने खरीदा है। बीजेपी दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट राजीव बब्बर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया था। हमारे पास दिल्ली सरकार के खुले भ्रष्टाचार का एक बड़ा उदाहरण हमारे सामने आया है कि जिस ऑक्सीमीटर की कीमत आज से 2-3 महीने पहले 500,000 रुपए इससे महंगा मिलता था, लेकिन केजरीवाल साहब की ईमानदार, जिसको वो कहते हैं सरकार, ट्रांसपेरेंट सरकार, जिसका वो गाना दुनिया जहां में गाने की कोशिश कर रहे हैं, उसने एक ऑक्सीमीटर 66,320 रुपए में खरीदा। कई मौकों पर गलत जानकारी शेयर करने वाले मेजर सुरेंद्र पूनिया और ऋषि बागरी ने भी यही दावा किया। असल में हुआ यह था कि भाजपा जिस 1,500 रुपए के ऑक्सीमीटर की बात कर रही थी, वो उंगली में लगाने वाले ऑक्सीमीटर होते हैं, और जो दिल्ली सरकार ने खरीदे हैं वो टेबल टॉप ऑक्सीमीटर हैं। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भ्रष्टाचार के दावों को खारिज करते हुए यही बात बताई। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी बताया कि ये ऑक्सीमीटर गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम से खरीदे गए हैं, और सरकारी नियम है कि अगर जेम पोर्टल पर कोई भी चीज उपलब्ध है तो उसे बाहर से नहीं खरीदा जा सकता है। ऑर्डर नंबर भी दिखाया गया, यही कागज है जो कल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया गया था, मैंने उसकी फोटो ले ली थी। ये ऑर्डर नंबर है, ये ऑर्डर नंबर अभी आप सबको मैं दे दे रहा हूँ, और ये ऑर्डर नंबर चेक कीजिए। इस ऑर्डर नंबर का जेम पोर्टल पर जो खरीद हुई है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वही सेम ऑर्डर नंबर है, ये ऑर्डर नंबर है, और ये सामान्य ऑक्सीमीटर नहीं है। ये कौन सा ऑक्सीमीटर है? टेबल टॉप ऑक्सीमीटर, उसकी तस्वीर दिखा दो भाई। ये है टेबल टॉप ऑक्सीमीटर, ये ऑक्सीमीटर है, ये उंगली में लगाने वाला ऑक्सीमीटर नहीं है। भाजपा इन ऑक्सीमीटर के ऑर्डर के जो डिटेल शेयर कर रही है, उससे हमें इसका कॉन्ट्रैक्ट नंबर मिला। हमने उसे जेम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट की वेबसाइट पर देखा। यहां से ये साफ हो जाता है कि असल में दिल्ली सरकार ने ऑक्सीमीटर सरकारी पोर्टल से ही मंगवाए हैं। और इस पोर्टल पर जो ऑक्सीमीटर मिल रहे हैं वो 10,000 से लेकर 1.5 लाख तक के हैं। हमने जब दिल्ली सरकार के खरीदे ऑक्सीमीटर को इंटरनेट पर देखा तो पाया कि ये एडेन का M3B वाइटल साइंस मॉनिटर था। ये उपकरण वाकई महंगे आते हैं, और कई वेबसाइट्स पर देखने से मालूम चला कि इसका दाम 1 लाख से भी ज्यादा है। इसे ही दिल्ली सरकार ने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पोर्टल से खरीदा है।